नाम छोड़ दूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम पैन को डबल स्पिन में कर सकते हैं। ये डबल स्पिन वाला आजकल काफ़ी फेमस हो रखा है। इस स्पिन में करने के लिए इसमें बहुत ही ईजी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आपका जो हैंड का मूवमेंट होता है वो 3 to 4 फिंगर होता है और इसमें थोड़ी सी मास्टरी भी लगती है। लोगों को एक कूल लगता है क्योंकि इसमें जो है आपका हैंड का मूवमेंट बड़ा ही फास्ट है और इसमें जो आपका पैन है वो पोजीशन भी बार बार चेंज करता रहता है, तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप इन्फिनिटी बना रहे हो, पर ये इन्फिनिटी है नहीं, बट इट्स वेरी कूल ट्रिक। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इस ट्रिक को मैं सिखाऊंगा आपको, बहुत ही इजी स्टेप्स में सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहले बेसिक्स के लिए तो वही एक पैन लीजिए जो कि हैवी हो। हैवी इसलिए क्योंकि वो आपको आपके हैंड्स को एक बैलेंस फील देता है, और होप आपने अगर लास्ट 2 वीडियोस देखे हो तो आप ये समझ जाएंगे कि हैवी पैन कितना फ़ायदेमंद है, आप किस ईजी तरीके से पैन को रोटेट या स्पिन कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो जैसे आप लास्ट टाइम आपके मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में प्लेस कर रहे थे, इस बार आपको मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में पैन को प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद आप इसका एक फील ले लीजिए, ऐसे बैलेंस करके देख लीजिए इस तरीके से आपने रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में किया था। अब आप इसको प्लेस कीजिए उसी अपने फर्स्ट वर्टिकल पोजिशन के बीच में। आप सबसे पहले इसको प्लेस कीजिए और इसको आप जो सेकंड पोजीशन है वर्टिकल स्पिन वाले के बीच में डालिए, थम्स के और आपके इंडेक्स फिंगर्स के बीच में। फिर यहाँ से आपको पुश करना है इसको इस पोजीशन में, जैसे आपने लास्ट वर्टिकल स्पिन में किया था, आपने इस तरीके से पुश किया और ये यहाँ तक आएगा। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये जो मूवमेंट है आपका इतना कम्प्लीट हो रहा है और ये यहाँ तक आ रहा है। बस आपको ये आपके मिडिल फिंगर से आपको उसको पुश करके ऐसे इस तरीके से पुश करना है कि आपका जो ये पैन है ऐसा रोटेट होके ये ऐसा इस पोजीशन में आ जाए। आपने आपके फिंगर से इसको ऐसे फ्लिक किया, ये वर्टिकल पोजीशन में गया, इसको आपको इस तरीके से पिक करना है इस ये उंगली से और ये देखिए आपके ये रोटेट होके इस पोजीशन में वापस आ जाएगा। सेम चीज़ करनी है और आपको पोजीशन में बैक लाने के लिए यहाँ से ड्रॉप करके इसको इधर होल्ड कर लीजिए। बस मैं इसको रिपीट कर दूँ तो ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ पर इस पोजीशन पर रख के इसको प्लेस करना है और फिर ये वापस बस इसलिए ऐसे ऐसे आप इसको स्पीड में करते जाइए और ये ऐसे रोटेट होता चला जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही फ्लुएंट मूवमेंट होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसमें 3 फिंगर्स के बीच में कर रहे हैं कि 2 फिंगर्स के बीच में कर रहे हैं, और ये इसलिए काफ़ी कूल भी होता है। इसमें जो सर्कल भी बन रहा है वो पहले वर्टिकल बन रहा है, उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल मिल देखने को मिल सकता है। काफ़ी कूल ट्रिक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वापस से 150 का टारगेट रख रहे हैं, 150 के ऊपर जाता है तो That's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always.